स्ट्रगल बहुत सारे हैं, क्योंकि लाहौर जाना और वहाँ पे एक गांव का बच्चा अगर लाहौर में जाता है तो लाहौर में जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वहाँ पे होता है और जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट होती है हर चीज़ से। सबसे पहले तो आप डरते हो, मुझे उर्दू भी नहीं आती थी उस टाइम कि यार अब उर्दू के साथ क्या करूँगा। सबसे पहले तो ये मसला है, कैसे दोस्त कैसे बनाऊँ, किससे बात करूँ क्या। हॉस्टल में होता था और हॉस्टल से मैं जाता था कदाफी स्टेडियम अब्दुल कादिर की एकेडमी में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाता था कदाफी स्टेडियम से, कदाफी स्टेडियम का जो मेन गेट है जहाँ पे आप एंटर होते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी, जब थक जाता था तो वहाँ पे किसी बाइक को, कोई भी बाइक ऐसे जाते थे, मैं उनको यार रुको यार मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था, वो करता यार थका हुआ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बाइक रोक के वहाँ तक जो एकेडमी है उसके बाहर छोड़ दिया। अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी और मेरे अम्मी ने ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूं, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से। ठीक है, वो क्रिकेट को ऐसे समझते थे जैसे क्रिकेट है कोई ऐसे समझो कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं, कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो ये वो। तो अम्मी से टेप के लिए पैसे मांगते थे कि अब्बू नहीं देते थे। मैं समझता हूँ कि जब मेरा नाम आया, मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं गाँव के और मुझे आके मुबारकबाद दे रहे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया था, तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाकया हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझे बताया कि आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई, और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ये कोशिश था कि अभी कम अज़ कम इतना हो कि मैं उनको आखिरी बार तो देख सकूं, लेकिन वो मेरे ख्याल से कि इतना टाइम नहीं था कि मैं जनाजे पे पहुंच सकूं। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल किया कि बेटा देखो, आप जिस मकसद के लिए गए हो, ठीक है, अम्मी और मुझे या जो भी आप कह लो कि सब घर वालों को छोड़ के आप चले गए हो, तो इसी मकसद के लिए गए हो, अब आप ऐसे करो कि ना जो है ना वो खेलो। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था। बहरहाल मैं भी इस सोच में आया कि यार अब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि यार अम्मी को छोड़ के और क्रिकेट ही। तो फिर वो मैं मैच खेला, मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरी दुनिया ख़त्म हो गई अंदर, क्योंकि बड़ा एक ना मुश्किल मैं ही समझ सकता कि वो क्या 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 हुआ और अम्मी के लिए मैं क्या सोचा था। तो वो जो था कि बिल्कुल ही मैं समझता था कि अंदर से अब यार क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया हूँ अंदर से, बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्या करूँ। टूर करके वापस घर जाओ तो घर का माहौल भी ऐसे होता था, आपको पता है मीना हो, तो बीच में काफ़ी फिर क्रिकेट खेलते हुए इंजरीज भी आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के साथ फाइटिंग करना, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है। फिर परफॉर्मेंस भी करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये तो वही बंदा समझ सकते जिसके साथ ये चल रहा होता हो। आप अगर कोई और कहीं हो, आपको मेरी फीलिंग तो नहीं आप समझ सकते कि इस पर गुजर क्या रहा है इस टाइम।